नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 10 नंबर अतिरिक्त सर्टिफिकेट के लिए सिलेबस हुआ जारी। सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ चुकी है। अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के अंदर 10 नंबर अतिरिक्त सभी को मिलेंगे। तो इसके लिए तो पुलिस तो मुख्यालय ने सिलेबस जारी कर दिया है। 10 नंबर तो विशेष व सर्टिफिकेट कोर्स का सिलेबस हुआ जारी। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल साथ जानकारी बताई जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए सुनहरा अवसर, क्योंकि तो आगामी भर्ती 6000 पदों पर 2 से 3 महीने के बाद तो आने वाली है, जिसके अंदर 10 नंबर अतिरिक्त तो मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी को ये तो कोर्स करना अनिवार्य है। अगर जितने भी प्रतिभागी ये कोर्स करें तो 10 नंबर तो मिलेंगे, इसलिए आप ये कोर्स ज़रूर करें। इसका वो सिलेबस हो चुका है जारी। एक बार मैं आप वो सभी को मैं सिलेबस तो बता देता हूँ। तो दोस्तों, तो फाइनली तो यहाँ से स्टार्ट होता है पोस्ट वो ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ईयर 2021-22 ऑन वर्ल्ड स्कीम रेगुलेशन एंड सिलेबस। तो यहाँ से स्टार्ट होता है नेम ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पीजी डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम एक ईयर का ये कोर्स है। इसके अंदर स्कीम वो टाइप सेमेस्टर तो पैटर्न, यानी कि जिस हिसाब से आपके तो कॉलेज के अंदर होता है उसी प्रकार यहाँ से हो गए 2 सेमेस्टर हो गए। इसके अलावा इसके लिए तो एलिजिबिलिटी वो ग्रेजुएशन इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन विथ मिनिमम 45 मार्क्स इन एग्रेट, यानी कि किसी भी फील्ड के अंदर आपका तो ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि 45% के साथ होना चाहिए। और इस तो इसके अलावा तो 5% तो ST ST PS, यानी कि ST ST को 5% की छूट है, जिनके मिनिमम 40% होने अनिवार्य है, और तभी आप ये कोर्स तो कर पाएंगे। इसके लिए आपका वो दिस पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम काउंसिल ऑफ द पास वो कंपल्सरी वो थ्योरी पेपर, यानी कि तो 5 जिस प्रकार से कॉलेज के अंदर आपके एग्ज़ाम होते हैं उसी प्रकार तो 5 तो आपके थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपके तो वो निम्नात्मक तो बहु तो विकलात्मक तो प्रश्न आएंगे, उसके अंदर आपको उसका उत्तर वो लिखना होगा। इसके अंदर वो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर वो थ्योरी पेपर आएगा, सेमेस्टर टू वो सेमेस्टर वो सेकेंड के अंदर वो थ्योरी पेपर प्लस मिनरल प्रोजेक्ट भी बनाना होगा आपको। कॉन्टेक्ट हॉर्स इज वो थ्योरी पेपर रिक्वायर्स सेक वो कंटेंट हॉर्स, यानी कि आपको अलग अलग वो थ्योरी के अंदर तो प्रोजेक्ट भी बनाने होंगे, इसके बाद तो कंटेंट हॉर्स भी बनाने होंगे। इसके अलावा तो अगला आप देख लीजिए एग्जामिनेशन वो डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर आल वो थ्योरी पेपर 3 हॉर्स, यानी कि 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ इच सब्जेक्ट पेपर, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन इस कोर्स इज परसेंट ऑफ फॉर ए पास इन द कोर्स, यानी कि 40% आपको मिनिमम अंक तो लाने होंगे, वो तभी आपको 10% का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा तो यहाँ से इसका सिलेबस देख लीजिए, और इसके अलावा ये पूरा आप यहाँ से ये देख सकते, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ये ले लीजिए सभी का स्क्रीनशॉट। और इसके बाद तो इसका पूरा तो विस्तृत वो सिलेबस तो पुलिस तो विभाग की ऑफिस से तो वेबसाइट पर अपलोड वो कर दिया गया, वहाँ से आप इसकी तो PDF फाइल भी वहाँ से वो डाउनलोड तो कर सकते। मैं जो भी तो मेन पॉइंट थे वो आप मैं सभी को बता दिए। इसके अलावा जो भी आपको तो विस्तृत के अंदर पूरा एक एक तो बिंदु का वो सिलेबस तो चाहिए पुलिस मुख्यालय की तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इसके बारे में और भी कोई अपडेट आएगी तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।